मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जॉब न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असम में निकली हुई चपरासी के पदों पर भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल डेली जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग पर जहाँ पे हमने आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन तैयार कर रखा है। इसका लिंक मैं ब्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ अपने ब्लॉग पर आ गए हैं। वैकेंसी जो निकली है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीटी असम रिक्रूटमेंट 2020 ग्रेड 4th बैरियर पेयन चौकीदार वर्कशॉप जुगाली इट्स। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट जैसे मैंने बता दिया यही है ग्रेड 4th बैरियर पेयन चौकीदार वर्कशॉप जुगाली इट्स मतलब आदि के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट 55 पोस्ट हैं टोटल। क्वालिफिकेशन 8वीं पास मांगी गई है, यानी आप 8वीं पास हैं तभी भर सकते हैं। स्केल ऑफ पे है जो पेमेंट है 12,000 रुपये से लेकर 52,000 रुपये के बीच में है, प्लस आपका जो 39 ग्रेड पे है वो 3900 रुपये है। एज लिमिट जो है वो कैंडिडेट मस्ट बी लेस देन 18 ईयर एंड मोर देन 38, यानी 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 38 ईयर से कम होना चाहिए। उसके बाद आयु सीमा में छूट जो है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दी जाएगी, उसके लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो नील है, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। स्टार्टिंग डेट जो है वो अप्लाई करने की 29 फरवरी 2020 यानी कल से है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2020 तक है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है। एक बार अप्लाई करने से पूरा पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो वीडियो को आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई और आपकी समस्या हो या कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।